सो यहाँ का ही सबसे पहले मैं अपने फेस पर लगा रही हूँ मॉइस्चराइज़र, जिससे हमारी स्किन थोड़ी स्मूथ रहेगी। सो थोड़ा सा अमाउंट लेना है एंड आपको अपने फेस पे अप्लाई करना है। देन इसको अपने फेस पे थोड़ी देर के लिए रखना है जब तक ये सूख नहीं जाता, उसके बाद हम करेंगे। देन मैं नेक्स्ट लगा रही हूँ सनस्क्रीन, जैसे कि आजकल समर्स हैं तो आपको सनस्क्रीन अपने फेस पे ज़रूर लगानी चाहिए। सनस्क्रीन की आप अच्छी लेयर अपने फेस पे अप्लाई करें लाइक दिस। देन आपको वेट करना है 2 मिनट्स के लिए जब तक ये सूख नहीं जाता, फिर हम करेंगे। सो हमने सनस्क्रीन और मॉइस्चराइज़र अपने फेस पे लगा लिया है। नेक्स्ट मैं यूज़ करूँगी प्राइमर ताकि इससे हमारे पोर्स जो हैं वो ढक जाए एंड हमारा फाउंडेशन ज़्यादा अच्छे से लगे। प्राइमर को आपको स्मॉल अमाउंट में लगाना। सो नाउ आई एम यूजिंग फाउंडेशन कि जो हमारे फेस में पिगमेंटेशन है वो थोड़े इवन हो जाए। आपको इसको डॉट डॉट करके अपने फेस पे अप्लाई करना है। देन आप इसको ब्यूटी ब्लेंडर या ब्रश की हेल्प से ब्लेंड कर। तो जैसे कि हमारा फाउंडेशन लग चुका है, नेक्स्ट हम यूज़ करेंगे कंसीलर अपने अंडर आइज को कंसील करना। नाउ आई एम यूजिंग कॉम्पैक्ट पाउडर ताकि ये सब जो हमने लगाया है वो सेट हो जाए। मैं इसको अपने पूरे फेस पे अप्लाई करूँगी। अब मैं थोड़ा सा लूज पाउडर यूज़ कर रही हूँ अपनी अंडर आइज एंड इन जगह पे। हम इसको थोड़ी देर बाद ऑफ कर देंगे। सो अब हम करेंगे अपनी आइज़। मैं अपनी आइज़ के लिए क्या कर रही हूँ, आपको कोई भी लिपस्टिक लेनी है एंड उसको अपनी आईलेट्स पे लगाना है जस्ट लाइक दिस। मैं ऑरेंज कलर की लिपस्टिक यूज़ कर रही हूँ। देन आपको अपनी फिंगर से इसको ब्लेंड करना है अपनी पूरी आईलेट्स पे। इसको ज़्यादा डार्क नहीं रखना है, थोड़ा मिनिमल ही रखना है। ये हो गया। अब आपको नेक्स्ट क्या करना है, इसके ऊपर आपको कोई से भी अपने पसंद के आई शेडो यूज़ कर लेना है। जो कलर आपको पसंद हो वो आप यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम अपनी क्रीज लाइन करें। ब्रश शेड लेना है एंड उसको अपनी आईलेट्स पे पुट कर देना है। ब्रश शेड लगा मैं यही येलो शेड अपनी नीचे वाली लोअर लैश लाइन पे भी अप्लाई करूँगी। ये हो गया। अब हम नेक्स्ट करेंगे अपना सो आईलाइनर के लिए मैं विंग आईलाइनर अप्लाई कर रही हूँ लाइक दिस। जो है वो लग चुका है, मैं इसको वाइप ऑफ कर दूंगी। सो ये हमारी आई लग चुकी है। देन आपको अपनी काजल को थोड़ा सा स्मच करना है। सो ब्लश के लिए मैं पिंक शेड ले रही हूँ। नेक्स्ट मैं यूज करूंगी थोड़ा सा हाइलाइटर। मेरे को ब्राउज को फिलन करना पसंद नहीं है, तो मुझे नेचुरली पसंद है, तो मैं बस इसको कॉम करूंगी। तो मैं लिपस्टिक के लिए पिंक कलर यूज़ कर रही हूँ।
हमारा लास्ट पार्ट है फिक्सर। मैं अपने मेकअप को फिक्स करने के लिए यूज़ कर रही हूँ फिक्सर, आप भी कर सकते हैं। दिखाती हूँ अपना फाइनल लुक।